किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की महती भूमिका होती है, और यह न केवल दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी उतना ही मायने रखता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा से सौभाग्यशाली है कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत उर्वरा भूमि और जल संसाधन होने के साथ साथ यहाँ के हस्तशिल्पी, कारीगर और अलग अलग जनपदों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशिष्ट एमएसएमई उत्पाद प्रदेश के अंदर विगत सैकड़ों वर्षों से स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता रहा है। लेकिन समय के अनुरूप उचित प्रोत्साहन के अभाव में वह दम तोड़ रहा था। 2017 में जब हमारी प्रदेश के अंदर सरकार बनी, उस समय एक हताशा निराशा का सा वातावरण था। यह स्थिति तब थी जबकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, 25 करोड़ की आबादी, और 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में देश के अंदर आबादी की दृष्टि से नंबर एक राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था में और रोजगार सृजन में उतना ही फिसड्डी था। हां, यह जानते हुए भी कि कृषि के बाद यहां के युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की संभावना का सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कोई बन सकता है वह एमएसएमई का एक क्षेत्र बन सकता है, लेकिन उस ओर ध्यान न देने के कारण यह क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक उभरता हुआ क्षेत्र है।